नमस्ते, आदाब और शुक्रिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गुरुजी ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए तो आप परीक्षा ऐप को इंस्टॉल करें। लिंक आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। हमारा कोड उपयोग करके आप 40% की छूट प्राप्त कर सकते हैं। अभी आप सामने दिए गए कोड का उपयोग कीजिए। दोस्तों, अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली पर अभी भी एरर आ रहा है और ये एरर क्यों आ रहा है, इससे संबंधित एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है। तो हम इस पर बात करते हैं कि क्या ये अपडेट है और ये एरर बेसिकली आ क्यों रहा है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे सामने लिखा हुआ है नो ऑनरेरियम पेमेंट रिकॉर्ड फाउंड फॉर द गेस्ट फैकल्टी विद द गिवन डिटेल्स, यानी कि जो डिटेल्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए कोई मानदेय भुगतान का रिकॉर्ड सामने नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है, इस रिलेटेड न्यूज़ निकल के आ रही है, तो उस पर हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या पूरी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं भास्कर की ये न्यूज़ है और न्यूज़ में कहा जा रहा है कि पोर्टल पर गलत जानकारी अपलोड है, नहीं बन पा रहे हैं अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाबुओं की जो गलती है उसकी वजह से कभी समग्र आईडी तो कभी जन्मतिथि मैच नहीं हो पा रही है, इसलिए ये समस्या आ रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सरकारी स्कूलों के अतिथि शिक्षकों को अपने अनुभव प्रमाण पत्र के लिए भटकना पड़ रहा है। विभाग की वेबसाइट पर संकुल के बाबुओं द्वारा गलत जानकारी अपलोड कर देने से यह समस्या आ रही है। शिक्षक संगठनों ने भोपाल मुख्यालय में शिकायत की है। अतिथि शिक्षकों द्वारा सरकारी स्कूलों में दी गई शैक्षणिक सेवाओं के लिए वर्गवार और सत्रवार अनुभव प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जो प्रक्रिया संचालित की जा रही है वह काफ़ी त्रुटिपूर्ण है, जिससे शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या परेशानी आ रही है, जिसमें कि समग्र आईडी तो कभी जन्म दिनांक मैच नहीं हो रहा है, वर्ग दो में शिवा वर्ग वर्ग तीन की जानकारी अपलोड हो रही है, किसी ने 8 वर्ष से वधि तो उसकी जानकारी 3 सत्रों की दिखाई दे रही है, सत्र 2007 से 2010 व 2011 से 2014 तक की जानकारी अपलोड नहीं है, एक ही सत्र में माध्यमिक व प्राथमिक विद्यालय में सेवारत कर्मचारियों की जानकारी दिखाई दे रही है, ऐसा गलत जन्म दिनांक गेस्ट आईडी फीड किए जाने से हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है आज़ाद अध्यापक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष ने भी मांग की है कि एक फॉर्मेट जारी कर संकुल प्राचार्य जिला शिक्षा